नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने सुबह व्यवस्था प्रारंभ किया था, ठीक है। सुबह व्यवस्था के अंतर्गत हमने चार जो सूबेदार हैं उनके बारे में देख लिया था, ठीक। एक बार मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर पूरा क्विक रिवीजन हम कर लेंगे। नहीं तो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि सुबह शासन के अंतर्गत कौन आते थे, तो जो सुबह क्षेत्र मानकर छत्तीसगढ़ में जिनको जो सर्वाधिक राजस्व टकोली दे देगा उसे नियुक्त किया जाता था सूबेदार, वो सब सूबेदार आते थे। कौन इसको नियुक्त करता था, किसने इसे चालू किया था, तो व्यंकोजी भोसले ने चालू किया था। कहाँ से इस शासन संभालते थे जो सूबेदार थे, वो रतनपुर से संभालते थे, ठीक। ये सब हमने देखा था। ये केवल अधिकारी या प्रतिनिधि मात्र होते थे, लेकिन इनके पास सैनिक, असैनिक, फौजदारी, दीवानी सभी का अधिकार प्राप्त होता था। लेकिन फिर भी सबसे उच्च रूप में देखा जाए तो शासक ही होता था, ठीक है। अब ये जो थे इस क्षेत्र में बैठाए गए थे व्यंकोजी भोसले के समय थे, तो सर्वाधिक व्यंकोजी भोसले के समय में टोटल 6 सूबेदार आते हैं, ठीक। और उनके आगे फिर अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग सूबेदार आते जाएंगे। टोटल 8 सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, ये मैंने आपको बताया था। और ये जो सूबेदार जो पद हुआ वो किसका परिणाम था, तो मराठों की उपनिवासवादी नीति का परिणाम था। साथ में वो सत्ता का संचालन नागपुर से करना चाहते थे, इसलिए भी इस पद का जन्म हुआ था, ये हमने याद किया था। अब पहला कौन थे, तो महिपत राव दिनकर थे जिसने 2 साल तक शासन किया था, प्रथम सूबेदार था। आनंदीबाई इसके समय सत्ता संभालती थी, तो उसके साथ इसका सत्ता का संघर्ष चलता था। एकमात्र ये मतलब नाम मात्र के लिए सूबेदार रह गया था, और इसने एकमात्र बहुत ही सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य कराया जो कि अभी भी हमारे जहन में है, हमारे सामने उपस्थित है, वह है बूढ़ा तालाब। तो रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है उसका निर्माण महिपत राव दिनकर के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विट्ठल राव दिनकर इनके आगे आते हैं जो 6 साल तक शासन करते हैं। ये परगना पद्धति लाते हैं जिसे परगना पद्धति लागूकर्ता या जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। जन्मदाता और लागूकर्ता ये थे, लेकिन सूत्रधार कौन थे, तो बिंबाजी भोसले थे, ये याद रखना। इनके समय में भी यूरोपीय यात्रा करते हैं मिस्टर JT ब्लंट, जो कि 1795 में यहाँ रायपुर और रतनपुर की यात्रा करते हैं। अब ये जब परगना पद्धति लाता है तो उसका एक प्रमुख भी होगा जिसे परगना प्रमुख कहा जाता था, जिसका नाम कमा मजदार होता था। तो मैंने इसको रेगुलेट कराया था, परगनी क्षेत्र से ये कमाने आए हैं, तो वहाँ से परगना क्षेत्र से कमाना है, कमाने से कमा मजदार। अब इसने गढ़ व्यवस्था को बदल कर पूरा परगना में बदल लिया था, तो जो छत्तीसगढ़ मौजूद थे छत्तीसगढ़ में उसे 27 परगनों में बांट देता है, ठीक है। और गौंटिया का पद जो पहले से चला आ रहा था उसको यथावत बनाए रखता है, अन्य जो पद थे ये अपने अनुसार लाता है। अब इसके शासनकाल में जो बस्तर क्षेत्र में भोपालपट्टनम का संघर्ष था, क्यों, वही जो यात्री JT प्लांट आया था वो उसे आदिवासी हम बस्तर क्षेत्र में एंट्री नहीं करने देंगे, इसलिए भोपालपट्टनम में संघर्ष हो जाता है, तो उसी के नाम पर भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन था इस समय काकती वंश का शासक, तो दरियादेव था, ये मैंने आपको बताया था। फिर भवानी काल हुआ था इसके आगे, जो कि सबसे कम समय का शासक रहता है। क्यों सबसे कम समय का शासक रहता है, तो ये भी क्या सोचता है कि मराठा जिस प्रकार मेरे माध्यम से संचालित करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं भी अपने अंदर किसी को रखता हूँ और वो संचालित करेगा, ऐसा सोचता है। और एक अपना प्रतिनिधि किसको भेजता है, कोड़ो विष्णु, खुद नहीं आता, कोड़ो विष्णु को भेज देता है। तो इसको कोड़े पड़ते हैं, और कोड़े पड़ते हैं और इसको हटा दिया जाता है, और इसके जगह फिर केशव गोविंद को बैठाया जाता है। इसलिए सबसे कम समय के लिए भवानी कालू शासन करता है इस क्षेत्र में। फिर केशव गोविंद आता है जो भवानी कालू की जगह, वो सबसे ज़्यादा समय तक अब शासन कर लेगा, लगभग ये आपका 11 वर्ष तक करता है। सर्वाधिक समय तक सूबेदार यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आएगा, कसे केशव गोविंद, कसे कोलब्रुक देखे थे। अब सर्वाधिक समय तक किया तो इसने अपने साम्राज्य बढ़ा लिया, तो संबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ तक मराठा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। किसके समय में, तो केशव गोविंद के समय। शासक कौन, व्यंकोजी भोसले। कौन बढ़ाता है, तो रामचंद्र बाग जो सेनापति रहता है वो।
अब इसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार किया तो सेना को सीमा को लेकर विवाद हो जाते, तो किसके किसके बीच? सरगुजा और छोटा नागपुर के पठार के बीच, जो कि आज का छत्तीसगढ़ और झारखंड है, ठीक है, उनके मध्य सीमा विवाद हो जाता है। और इन्हीं के समय में पिंडारी, जो कि लुटेरे रहते हैं, जिन्हें शिकारी कुत्ता भी बोला जाता है, वो आक्रमण करते हैं। और उनका सबसे प्रथम आक्रमण केशव गोविंद के समय में होता है। ये 1806 से लेकर 1810 तक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहते हैं पिंडारी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इनका उत्पात है वो चरम सीमा पर रहता है बीकाजी गोपाल के समय में, ठीक। लेकिन इनके समय में जब केशव गोविंद के समय में जब प्रथम आक्रमण होता है तो उनसे, मतलब पिंडारियों से, इस क्षेत्र की वो रक्षा करने में सफल रहते हैं, याद रखना। अब ये जिस क्षेत्र में रहते थे उसे पिंडरा कहा जाने लगा, और ये लगभग 25,000 के झुंड में रहा करते थे, और इनका जो प्रमुख होता था वो लहवरिया कहलाता था, ठीक। तो ये सब हमने देखा था, और अंतिम रूप से इसका अंत यादव और दिवाकर, जो कि अंतिम सूबेदार रहते हैं, उनके समय में किया जाता है। तो ये हमने देखा था पिंडारियों संबंधित। अब आगे हम केशव गोविंद के आगे सूबेदारों का क्रम देखते चलते हैं, ठीक है। तो ये पिछले क्लास के बारे में मैंने आपको कवर करा दिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूबेदार, ठीक, और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कराते बन गया। आगे देखते हैं बीकाजी पिंडियर एवं देरी कुल्ल कुलर ऐसे करके, तो इसे केवल याद रखना 1808-09 के बीच में ये शासन करते हैं, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है नहीं। तो बीकाजी पिंडरी, फिर बीकाजी गोपाल, इसे भीखा भाव के नाम से भी जाना जाता था, तो इनका उपनाम याद रखना भीखा भाव। जिस प्रकार व्यंकोजी को धुरंधर बोला जाता था, उसी प्रकार बीकाजी गोपाल को भीखा भाव बोला जाता था, ठीक। ये 1809 से 1817 लगभग 8 वर्ष तक शासन करते हैं। इनके समय में पिटारियों की गतिविधि चरम सीमा पर थी, तथा छत्तीसगढ़ में लूटपाट की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। फिर सरगुजा रियासत जमींदारी क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। अभी इसी के शासनकाल में क्या होता है कि जो सरगुजा रियासत रहता है उस रियासत के अंतर्गत जमींदारी में हस्तक्षेप करना पड़ता है, किसे? बीकाजी गोपाल, माफ़ कीजिएगा, बीकाजी गोपाल को। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष चलना रहता है, तो ये वहाँ जाकर हस्तक्षेप करते हैं कि संघर्ष मत करो, मेरी बात को सुनो, इस तरीके से। फिर छोटा नागपुर और सरगुजा जमींदारी के सीमा विवाद को सुलझाया जाता है, किसके समय में? बीकाजी गोपाल। हमने देखा था केशव गोविंद, उसके समय में संबलपुर क्षेत्र आ जाता है, और सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य जो सीमा विवाद उत्पन्न होता है। अब बीकाजी गोपाल के समय में क्या होता है कि जो सीमा विवाद था वो सुलझ जाता है सरगुजा और छोटा नागपुर के बीच में, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो जाता है, किस लिए? तो जमींदारी क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, जहाँ इस बीकाजी गोपाल को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे, इसके शासनकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा जहाँ राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, अस्थिरता कैसे आ जाती है वो देखते हैं। तो मैंने बताया था टोटल छः सूबेदार वेंकोजी भोसले के समय में आएंगे, तो ये छठवा बीकाजी गोपाल ही था। इसी के समय में वेंकोजी की मृत्यु हो जाती है 1811 ईस्वी में, ठीक। फिर इसी के समय में जब इसके आगे शासन व्यवस्था को रघुजी द्वितीय संभालते रहते हैं, तो कुछ समय बाद रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक। किसके शासनकाल, किस सूबेदार के समय में? तो बीकाजी गोपाल के समय में हो जाती है ना उनकी मृत्यु, ठीक है, लगभग 1816 के आसपास। फिर 1816 में जब रघुजी द्वितीय की मृत्यु होती तो पूरा संपूर्ण शासन पुरुषाजी ने संभालते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष शासन में कवर कर लिया है। तो पुरुषाजी जब संभालते हैं तो इसका संरक्षक कौन रहता है? अप्पा साहेब। अभी ये अप्पा साहेब षड्यंत्र रच कर इसको मार देता है, देखे थे, तो 1816 में ये भी मर जाता है। क्या क्या देखे? 1811 में वेंकोजी भोसले निपट गए बनारस की यात्रा करते करते, फिर उसके भाई द्वितीय रघुजी द्वितीय ने संभाला क्षेत्र को, 1816 में ये भी मर जाता है, और उसी के कुछ समय बाद षड्यंत्र के द्वारा अब पुरुषोजी में मर जाते हैं 1816 में। फिर ये तो मर जाते हैं, अब सहायक संधि हुआ रहता है अंग्रेजों के साथ, लेकिन अप्पा साहेब सहायक संधि को स्वीकार कर तो लिए रहता है लेकिन सहायता नहीं प्रदान करता, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स इसके ऊपर आक्रमण करके इसे सत्ता से हटा देते हैं, तो ये भी अब हट गया। तो टोटल चार शासक हट गए, वेंकोजी हट गया, उसका भाई द्वितीय है वो भी हट गया, उसका पुत्र आया था पुरुषाजी उसको तो मार दिया जाता है अप्पा साहेब के द्वारा, तो वो भी हट जाता है। फिर अप्पा साहेब को स्वयं को ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब स्वयं जो सहायक संधि किया जाता है लेकिन मानता नहीं है, तो अप्पा साहेब को ब्रिटिशर्स हटा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अस्थिरता बनी रहती है, और अंग्रेजों की सहायक संधि इन पर लाद दी जाती है क्योंकि अप्पा साहेब ने हस्ताक्षर किया था उनके संधि में। तो इस तरीके से बीकाजी गोपाल के समय में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो बनी रहती है, ठीक है। तो याद रखना किस प्रकार से, तो चार जो शासक आते हैं वो चारों के चारों हट जाते हैं, और अंतिम रूप से अंग्रेज इस क्षेत्र में आ जाते हैं,
ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, तो जो भिकाजी गोपाल है इसे भीखा भाव के नाम से जाना जाता था। 1809 से 1817 तक लगभग 8 वर्ष इसने शासन किया। इस 8 वर्षों में जो पिंडारियों का जो उत्पात है बहुत ही अपने चरम सीमा पर रहता है, ठीक। इसी दौरान आप देखेंगे कि सरगुजा रियासत क्षेत्र में जो जमींदारी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक। और साथ ही जो पहले से जो संघर्ष चला आ रहा था सरगुजा और छोटा नागपुर के बीच सीमा विवाद का, जिसे ये सुलझा लेता है, ठीक। तो उन सीमा विवाद को सुलझाता है और इसकी सीमा के अंदर सरगुजा में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें इसे हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये देखा था। फिर इसके दौरान अस्थिरता हो जाती, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती। क्या, तो पहले तो वेंगोजी मर जाता है, फिर रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, फिर अप्पाजी को परसा जी को हटा दिया जाता है अप्पाजी के द्वारा, फिर अप्पाजी को स्वयं सहायक संधि किए हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा हटा दिया जाता है और अंतिम रूप से इस क्षेत्र में सहायक संधि लाद दी जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है किसके समय में, भिकाजी गोपाल के समय में। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स पर भोजला प्रशासन को कमजोर करने का आरोप लगा। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने भोजला शासन को कमजोर किया। लेकिन देखा जाए तो अप्पा जी के महत्वाकांक्षाओं के कारण जो सहायक संधि ये स्वीकार करते हैं उस वजह से इनकी शासन कमजोर होती है, न कि हेस्टिंग्स के कारण। हेस्टिंग्स से लाया जरूर था सहायक संधि, लेकिन किसी को बोलता तो था नहीं, ऐसे फोर्स करके आप सहायक संधि लो, सहायक संधि लो। लेने वाला तो खुद अप्पा जी था ना, तो मुख्य कारण अप्पा जी के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने कमजोर किया प्रशासन को, ठीक, क्योंकि सहायक संधि लाने वाला व्यक्ति भी यही था। तो ये था भिकाजी गोपाल के बाद, मतलब भिकाजी गोपाल से संबंधित पॉइंट्स। अब इसके आगे हम देखेंगे सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना इनका नाम। तो सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, इनका शासनकाल ना लगभग 1817 के अंतर्गत ही समाप्त हो जाता है, इसलिए मैंने 1801 लिखाया था, जिसमें 8 साल तक भिकाजी गोपाल करता है शासन 1817 तक, और इसी 17 के दौरान ही सीताराम हरि और सीताराम टाटिया आकर समाप्त हो जाते हैं। कैसे, तो सखाराम हरि ने 3 माह शासन किया एवं सीताराम टाटिया ने 8 माह तक शासन किया था। अब जो सखाराम हरि है इसकी हत्या एक रतनपुर के निवासी द्वारा गोली मारकर कर दी जाती, इसलिए केवल बेचारा 3 माह तक शासन कर पाता है। क्यों, अब यहाँ सहायक संधि लग चुकी है, अब जो सूबेदारी व्यवस्था थी वो किसके अंतर्गत आ गया, मराठों के अंतर्गत तो था, लेकिन अब ब्रिटिश नियंत्रण में था, मैंने जैसे कि बताया था। अब ब्रिटिश नियंत्रण में आता है तो इन्हें और ज़्यादा राजस्व वसूलने के लिए मजबूर किया जाता है, और ज़्यादा राजस्व वसूलने के लिए जब सूबेदार को मजबूर किया जाएगा तो सूबेदार अपने क्षेत्र में जो आने वाले लोगों हैं उनसे बोलेगा कि आप ज़्यादा राजस्व दो। भले ही अकाल पड़ा हो लेकिन उनको तो राजस्व दिखाना है, इसलिए राजस्व के लिए वो क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे लोगों को, और उसी की वजह से एक निवासी का दिमाग खसकता है और वो उसको गोली मार देता है, किसको, सीताराम हरि को, इसलिए बेचारा केवल 3 माह तक ही शासन कर पाता है। लेकिन इसे आगे सीताराम टाटिया इस सूबेदारी व्यवस्था को संभालता है, तो दोनों का नाम एक ही समय में आ जाता है, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, तो साथ में ही याद रखना आपको सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, ठीक है। कहीं कहीं पर भिकाजी पिंडरी को स्किप कर दिया जाता है और सखाराम हरि और सीताराम टाटिया को लिया जाता है, ठीक है। जो आपका भिकाजी पिंडरी एवं भिकाजी गोपाल है उसमें से भिकाजी पिंडरी को स्किप कर दिया जाता है, केवल भिकाजी गोपाल को याद किया जाता है, और जो सखाराम हरि और सखाराम टाटिया इसको अलग अलग देखा जाता है, क्योंकि 3 महीने तक एक ने शासन किया और 8 महीने तक एक ने किया था, ठीक है। तो याद रखना है, तो सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, हरि 3 माह तक शासन करता है, ज़्यादा राजस्व वसूली के कारण प्रताड़ित करता है लोगों को, इस वजह से रतनपुर का निवासी उसको मार देता है। उसके आगे 8 माह तक सीताराम टाटिया शासन करता है। अब 3 माह लिखा है सर, लेकिन सबसे कम समय तक आपने भवानी काली को बताया था, तो हाँ इससे भी कम रहा होगा उसका शासन कर, तो भवानी काली का सबसे कम है याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा केशव गोविंद का, ठीक। कौन से सूबेदार को गोली मारकर उसकी हत्या की गई, ये अब याद रखना, तो सखाराम हरि। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर यादव दिवाकर अंतिम सूबेदार ये रहता है, छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार रहता है, एक साल तक ये शासन करता है, 1717 से 1718 तक, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ 1718 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो जाता है, तो शुरुआत हुआ रहता है केशव गोविंद के समय से, चौथा जो सूबेदार रहता है, और आठवें सूबेदार के समय में, चौथे सूबेदार के समय शुरू होता है और आठवें सूबेदार के समय में पिंडारियों का अंत होता है संपूर्ण रूप से। सर्वाधिक उत्पात कब मचाते हैं, तो भिकाजी गोपाल के समय मचाते हैं। तो पूर्णतः अस्थिर सूबेदारी किसके समय में थी, तो भिकाजी गोपाल के रूप में थी। राजनीतिक अस्थिरता थी और शांति व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि पिंडारियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण था। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है।
अंतिम क्या नोट दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। अब ये जेनकिंस कौन था, जो सहायक संधि जिसके द्वारा स्वीकार करता है कौन, अप्पा साहेब, इसी के द्वारा क्या रहता है, इसी के सहयोग मांगता है ना अपनी शासन की लालसा को पूर्ण करने के लिए। तो ये क्या करता है कि जब अप्पा साहेब को हटा देते हैं तो उसके बाद जो उसका पुत्र रहता है रघुजी तृतीय, वो अल्पवयस्क रहता है, तो उसके वयस्क होने तक इस क्षेत्र में स्वयं आप नियंत्रित करते हैं शासन को। तो जो अंतिम सूबेदार रहता है यादव राव दिवाकर, उसको हटा दिया जाता है उसके पद से और उसके जगह एक नया पद लाता है ब्रिटिश अधीक्षक, और उसके आगे अब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों के तौर पर शासन किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो सूबेदार थे उसके जगह ब्रिटिश अधीक्षक आकर शासन करेंगे। ठीक है, तो क्या था, एक बार समराइज कर देता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया। भिखाजी गोपाल तो हमने अच्छे से देख लिया था, 8 साल लगभग शासन करेंगे, 1809 से 1817 भिखा भाव इसका उपनाम था। इसके समय जो पिंडारी थे बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाते थे और साथ में इसके समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। क्या थी, तो व्यंको जी की मृत्यु हो जाती, उसका भाई रघुजी तृतीय जो सत्ता संभालता उसकी भी हो जाती, फिर उसका पुत्र पुरुषो जी रहता है उसकी अप्पा जी मृत्यु कर देता है, फिर अप्पा जी स्वयं उसको अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो सहायक संधि को मानता नहीं है, फिर अंतिम रूप से सहायक संधि यहाँ थोप दी जाती है। ठीक है, फिर इस सत्ता को जो यहाँ लिखा गया कि भोसला प्रशासन को कमजोर करने का आरोप हेस्टिंग्स के ऊपर भी लगता है, क्योंकि जो सहायक संधि है उसी की देन थी। ठीक है, फिर इसके आगे जो भिखाजी गोपाल थे उसके आगे आपके सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया आते थे। सखाराम हरि सीताराम टाटिया ये दो अलग अलग शासक थे। सखाराम हरि 3 माह तक शासन करते हैं, ज़्यादा राजस्व वसूली करते रहता है, किसी का दिमाग सरकता है उसकी गोली मारकर हत्या कर देती है। फिर उसके आगे 8 माह तक सीताराम टाटिया शासन करता है। फिर अंतिम रूप से यादव और दिवाकर आते हैं, जो कि अंतिम सूबेदार रहता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और इसके समय में पिंडारियों का फिर मूलतः अंत हो जाता है। ठीक, फिर इस क्षेत्र में ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस के द्वारा इस पद जो सूबेदार का पद उसे समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। और इस प्रकार से आगे हम ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण मराठा काल में आता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सूबा व्यवस्था। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष मराठा शासक कवर कर लिया था, आगे हम ब्रिटिश नियंत्रण कालीन मराठा काल देखेंगे, जिसमें अधीक्षकों के बारे में हमें पढ़ना है। अगर आज जो मैंने पूरा बताया आपको शुरू से जो सूबा व्यवस्था उसे का रिविज़न कराते हुए, अगर उसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ज़रा भी इसमें कुछ मतलब एकदम बोझिल वाला चीज़ है नहीं, नॉर्मल आप रीड करते चलेंगे, आपको याद होते जाएगा। जो भी मैंने रिलेट करने वाली चीज़ें थी वो रिलेट कराया हुआ था, बाकी केवल आपको याद करना है, फैक्ट है, नॉर्मल पढ़ने जैसे याद हो जाएगा। और मैंने स्टोरी टेलिंग के वे में बताया, आपको उसी वे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।